स्टूडेंट, आई एम प्रिया सिंह राठौर, आई एम क्लास टीचर ऑफ N3 क्लास। मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगी साइंस, और साइंस में सेकेंड चैप्टर है हमारा पार्ट्स ऑफ माय बॉडी। तो पार्ट्स ऑफ माय बॉडी, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से देख सकते हैं, यहाँ पे बॉडी का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो मेरे और आपकी तरह है। यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव ए वंडरफुल बॉडी, मेरे पास एक अद्भुत शरीर है। माई बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट्स हैं। पार्ट्स का मतलब होता है अंग। तो मेरे पास एक अद्भुत शरीर है, माई बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट्स हैं। इस स्ट्रक्चर को देख के आपको अपने बॉडी के पार्ट्स का पता चलेगा। द हेड एंड द फेस, तो हेड और फेस में जो भी पार्ट्स आते हैं उनका नाम यहाँ दिया हुआ है, और एक रेड लाइन करके वहाँ उस चीज़ को समझाया गया है ताकि आपके समझने में बहुत आसानी हो। जैसे यहाँ हेड लिखा हुआ है, तो हेड के पास भी एक रेड लाइन है, और हमारे हेड की तरफ वो लाइन इशारा कर रही है। तो इसको आप स्पेलिंग के साथ याद कीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे बॉडी में कितने पार्ट्स हैं, अगर लिख के बताना है तो इसके लिए आपको स्पेलिंग का बहुत ज़रूर पड़ेगा, और इसलिए आप इसको समझने के साथ साथ इसका स्पेलिंग भी याद कर लीजिए। हेड, हेयर, फॉरहेड, आई, ईयर, चीक, ये जो है हमारे हेड और फेस में, हमारे फेस के जो पार्ट्स हैं वो ये हैं। तो इनको ध्यान से देखना है और इनको याद करना है। और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसमें सारे पार्ट्स को दिया हुआ है, इधर आप देख सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप बहुत आराम से इसको समझ पाएगा। नेक है, थम्स है, फिंगर्स, फिंगर्स का मतलब होता है उंगली, और थम्स का मतलब होता है हाथ का जो अंगूठा होता है। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, उन सबके अलग अलग नाम हैं। थम्स का मतलब होता है अंगूठा, फिंगर्स मतलब उंगली, फिंगर्स में सारी उंगली आती हैं। और भी स्टोमच हमारा पेट, लिप मतलब होंठ, टीथ मतलब दांत, टोंग मतलब जीभ, और भी सारे पार्ट्स का नाम दिया हुआ है, आप देख के और इसको याद कर लीजिए। चलिए हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे सेंस ऑर्गन्स है, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, जिनमें है आई, स्किन, ईयर, टोंग, लिप। तो इन 5 का जो काम है वो हमारी बॉडी के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स। तो इनका जो काम है, आई सी विथ माय आईज, आईज हम किस चीज़ से देखते हैं, हम अपने आँख से देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई सी विथ माय, यहाँ पे आई का पिक्चर बनाया हुआ है, आँख का पिक्चर बनाया हुआ है, आई सी विथ माय आई। सेकेंड है आई हर्ड विथ माय ईयर, हम किस चीज़ से सुनते हैं, हम कान से सुनते हैं। आई स्मेल विथ माई नोज, हमारे सूंघने की जो शक्ति होती है वो नाक से ही होती है, हम नाक के द्वारा ही सूंघ सकते हैं। तो इसलिए आई स्मेल विथ माई नोज। आई टेस्ट विथ माई टंग, हम जब खाना खाते हैं तो वो तीखा है, मीठा है या नमकीन है, इस बात का जो पता चलता है वो हमारे टंग से पता चलता है। तो और आई फील विथ माई स्किन, तो हमें जो हम फील का मतलब होता है एहसास, हमें कहीं चोट लगता है या फिर कुछ छिल जाता है या फिर कुछ ऐसा लग जाता है जिसे कभी खुजली हो जाए या कुछ भी, तो इस बात का पता हमें अपनी स्किन से चलता है। इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। 5 सेंस ऑर्गन्स है, आइज, टंग, नोज, लिप एंड ईयर। अब हम आगे चलते हैं, कीपिंग आवर बॉडी क्लीन। तो यहाँ पे है वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी, हमें अपने शरीर का, हमारे पास जो एक अद्भुत शरीर है हमें उस शरीर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वी शुड ऑलवेज कीप इट क्लीन, हमें अपने शरीर को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। वी शुड डू द फ्लोइंग थिंग्स टू कीप आवर बॉडी क्लीन, हमें अपने अद्भुत शरीर को साफ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए, क्लीन करने के लिए जिन बातों का जरूरी है वो यहाँ पे एग्जांपल में पिक्चर और उस बात को लिख के भी समझाया गया है, जिसको आप देख के आसानी से समझ सकते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 1 पे आते हैं। ब्रश योर टीथ ट्विच ए डे, हमें अपने दांत को दिन में 2 बार साफ करना चाहिए। टेक ए बाथ डेली, हमें रोज स्नान कर
करना चाहिए? यूज ए क्लीन एंड ड्राई टॉवल. यूज का मतलब होता है उपयोग, क्लीन का मतलब होता है साफ, और ड्राई का मतलब होता है सूखा, और टॉवल मतलब होता है तौलिया. तो ये हो गया यूज ए क्लीन एंड ड्राई टॉवल. हमें नहाने के बाद अपने शरीर को ड्राई करने के लिए, अपने शरीर का पानी पोंछने के लिए एक साफ और स्वच्छ तौलिए का उपयोग करना चाहिए, ताकि नहाने के बाद हमारे शरीर पे कोई गंदगी ना आ जाए और हमारा हेल्थ खराब ना हो. वेयर क्लीन क्लॉथ. हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए. ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली. रेगुलरली का मतलब होता है नियमित रूप से. हमें अपने नाखून को, आप अक्सर देखते होंगे कि हमारा नाखून जब बढ़ जाता है तो उसमें मिट्टी आ जाता है, या कुछ भी ऐसा चीज़ जो हम छूते हैं जिसमें गंदगी हो, जिसमें कीटाणु हो, तो वो हमारे बढ़े हुए नाखून को एब्जॉर्ब करता है. तो इसलिए हमें अपने बढ़े हुए नाखून को रेगुलरली काटना चाहिए, ताकि उसमें गंदगी ना आ पाए. और क्योंकि हाथ का यूज हम खाने के लिए करते हैं, तो खाने के साथ वो गंदगी हमारे अंदर ना जाए. Never move without footwear. हमें बिना footwear का, बिना shoes, बिना slipper, बिना चप्पल के कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी कुछ हो सकता है. जरूरी नहीं है कि हर जगह पर सब स्थान हमारे घर की तरह क्लीन हो, इसलिए उसके लिए हमें footwear का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. Wash your hand off and on. तो हमें अपने हाथ को अच्छे तरह से धोना चाहिए, फ्रंट एंड बैक सारे साइज में, सभी साइड अच्छे से धोना चाहिए. और ये रहा, ये आपका पार्ट्स ऑफ बॉडी खत्म हो गया है. अगर आपके समझ में एक बार में ना आए या आपको कोई परेशानी हो, तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं. और आज आप इतने को अच्छे से समझिए, और बॉडी के जो हमारे स्ट्रक्चर है उसको देखिए, और वहाँ पे जो पार्ट्स का नाम दिया हुआ है उसको स्पेलिंग के साथ याद कीजिए. और आपका इधर ये दिया हुआ है एक स्ट्रक्चर, और उसमें आपको खुद से बॉडी के पार्ट्स का नाम भरना है. हिंट्स भी दिया हुआ है जिससे आपको भरने में आसानी होगी. तो आप प्लीज़ इस चैप्टर को अपने तरीके से ख़त्म कर लीजिए. थैंक यू.